देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के भी हार गए, ये सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी को सत्ता जाने का डर आज इस तरह से सता रहा है कि वो खुलकर वो डर जो है अब सामने आने लगा है। मोदी जी ने संसदीय सत्र के भाषण में सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए लेकिन देश चलाने के लिए सबकी सहमति, सबका साथ चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन मोदी जी खुद अपने बात पर खड़े उतर नहीं पाए। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष पद को लेकर के नया ट्विस्ट आ गया है। इस लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं या करवा रहे हैं, उसे देखते हुए इतना तो साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी के मन में ये आज सत्ता चले जाए या कल सत्ता चले जाए, इसका डर उनके मन में जो है बैठा हुआ है कि किसी भी पल उनका उनकी सत्ता जो है केंद्र में, वो जिस कुर्सी पर काबिज है, वो कुर्सी कोई भी कभी भी जो है मोदी जी के हाथ से छीन सकते हैं, और इसी का डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है। दोस्तों, ये जो स्पीकर पद है, इसे लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पहले क्या बातचीत हुई वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब स्पीकर ओम बिड़ला को नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और एनडीए सरकार की ओर से पेश किया गया है, और जिसके खिलाफ इंडिया अलायंस ने, जिसके खिलाफ विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी जो है उतारा है। दोस्तों, ये जो स्पीकर पद है, जो प्रतिष्ठित पद के लिए अब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतारा है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला से होगा। कांग्रेस ने सरकार पर डिप्टी स्पीकर को लेकर के सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। यानी आपको मैं बतलाऊंगी कि किस तरह से विपक्ष जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि विपक्ष इस डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के जो है कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आया था। विपक्ष ने साफ कर दिया था कि हमें किसी भी सूरत पे ये डिप्टी स्पीकर का पद यानी उपसभापति का पद जो है हमें चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह का कॉल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को गया था, यानी राजनाथ सिंह स्पीकर पद को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किए थे, लेकिन दोनों में जो बातचीत हुई, जो मांग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा था, जो मांग राजनाथ सिंह की ओर से भी रखा गया था, दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऑब्स्टिकल बन गए। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में आज ही मीडिया को यह बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था, और फिर से फोन करने की बात उन्होंने की थी। यानी सबसे पहले जब राजनाथ सिंह के पास राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया था कि हमारा जो लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार हैं उन्हें आप सपोर्ट कीजिए, आपकी पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, ये हम चाहते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ठीक है, हमें ओम बिड़ला को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो स्पीकर चुनते हैं। अगर आप विपक्ष से सहयोगिता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम सहयोग करें, तो ठीक है, हम ओम बिड़ला या आप जिसे भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार चयन करेंगे, हम उनका पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया, लेकिन आपको डिप्टी स्पीकर का पद, जिस पर विपक्ष का सबसे बड़ा अधिकार है और विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जो है आप कह सकते हैं कि 1/4 मेजोरिटी के साथ अपना डिप्टी स्पीकर बना सकती है वो पार्टी, उस हिसाब से कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर जो है बनना चाहिए, ये हमारी शर्त है, ये हमारी मांगे हैं। जिसके बाद आप यकीन नहीं मानिएगा कि मोदी सरकार, मोदी जी, अमित शाह डर गए, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा ठीक है, मैं बातचीत करके आपको वापस कॉल करता हूँ, जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन उसके बाद से अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे के पास राजनाथ सिंह का
कोई रिटर्न कॉल नहीं आया, यानी ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के भी डर रहे हैं। जरा सोचिए, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि स्पीकर पद को लेकर के टीडीपी जेडीयू नहीं, लेकिन टीडीपी कम से कम नरेंद्र मोदी के साथ जो है इसे लेकर के बर्गनिंग करती हुई नजर आ रही है। स्पीकर पद क्या, नरेंद्र मोदी डिप्टी स्पीकर पद भी विपक्ष को या खासकर कांग्रेस को देने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं पता चलेगा आपको। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि राजनाथ सिंह ने खड़गे जी को फोन किया, कहा कि अध्यक्ष पद के लिए पद के उम्मीदवार यानी ओम बिरला का समर्थन आप करिए। पूरे विपक्ष ने कहा कि हम लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए सरकार की ओर से चुने गए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा है कि सदन के उपाध्यक्ष यानी जो डिप्टी स्पीकर है वो पद विपक्ष को मिलना चाहिए, उस हिसाब से 1/4 मेजोरिटी के साथ वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। ये शर्तें जब राजनाथ सिंह के सामने रखी गई तो राजनाथ सिंह ने कल शाम को कहा था कि वो खड़गे जी को फिर से फोन करेंगे और ऊपर मतलब आलाकमान से जो भी बातचीत होगी, जो भी फैसला लिया जाएगा वो हम आपको कॉल करके बताएंगे। लेकिन अभी तक खड़गे जी के पास उनका वापस कॉल नहीं आया। तो दोस्तों, इसी तरफ जो है कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष को रचनात्मक सहयोग देना चाहिए, यानी कंस्ट्रक्टिव हेल्प जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि सहयोगिता से ही सबका साथ अगर रहेगा तभी हम देश चला पाएंगे, कि ये वो मन से कहें या एनडीए और मजबूत विपक्ष के चलते उन्हें कहना पड़ रहा है, जो भी आप मान लीजिए उसके चलते नरेंद्र मोदी ने ये कहा। लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक कि हमारे नेता का अपमान किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया, जिससे इतना साफ है कि सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि परंपरा है लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर विपक्ष को आपको देना है, विपक्ष को ये पद आपको देना होगा, परंपरा का पालन किया जाएगा तो हम अध्यक्ष के चुनाव में सरकार का समर्थन करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी के मन में इस तरह से डर बैठा हुआ है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष को देने को राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मेरी ये सरकार किसी भी समय किसी भी पल गिर सकती है। इस डर के साथ मोदी जी गठजोड़ के सरकार कब तक चला पाएंगे, इसीलिए जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, उसने साफ कर दिया कि हम अपना उम्मीदवार जो है स्पीकर पद के लिए, हम उस उम्मीदवार को जो है मैदान में उतार दिया है। अब केरला से कांग्रेस सांसद जो है स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ओम बिरला बड़े आसानी से ये स्पीकर पद का चुनाव वो जीत जाएंगे और फिर एक बार ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बनेंगे। लेकिन बात यह है कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो परंपरा के हिसाब से कांग्रेस के पास इस समय जानी चाहिए, जो विपक्ष उस पर जो है दावेदारी ठोक सकता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष के किसी सांसद को ही बनाना है, उस पर नरेंद्र मोदी जो बैकफुट पर खेल रहे हैं वो बैकफुट पर चले गए। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के मन में ये डर जो है बुरी तरीके से बैठा हुआ है कि मेरी सरकार किसी भी समय गिर सकती है, इसलिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर सबको अपने हाथ में वो रखना चाहते हैं। दोस्तों, एनडीए में हर कोई नरेंद्र मोदी को लाल आंखें दिखा रहे हैं, चाहे एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो आने वाले जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है उसे लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी नेता जो है पूरी की पूरी एकनाथ शिंदे गुट जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी या चंद्रबाबू नायडू खुद आंध्र प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी को मुंह खोलकर जिस तरह से फंड मांग रहे हैं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार टीडीपी को इस तरह से फंड देते देते खुद ही खुद को खत्म ना कर दे। वहीं नीतीश कुमार का कुछ अता पता नहीं है कि वो कब किसके साथ चले जाए, वो पलटूराम है ही। ऐसे में टीडीपी एकनाथ शिंदे या नीतीश कुमार के बलबूते पर एक का 7 सांसद, एक का 16 सांसद, एक का 12 सांसद, इन सांसदों के बलबूते पर अगर नरेंद्र मोदी सरकार चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके मन में ये डर ये भय जो है होना लाजमी है, डर बैठ जाना लाजमी है कि मेरी सरकार किसी भी पल गिर सकती है, और इसी के चलते वो डिप्टी स्पीकर का पद भी कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं।
और कांग्रेस भी विपक्ष भी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के इस बार हो हल्ला भयंकर मचाएगा। आपकी राय क्या है इस पूरे विषय पर, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह वाकई डरे हुए हैं? अपनी राय खास टिप्पणी जो है आप कमेंट कर तो हमारे साथ शेयर करेंगे ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश नीति की ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, देश नीति को सपोर्ट कीजिए। आजाद मीडिया और फ्री जर्नलिज्म को इस समय आपकी सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।